आंख पर पट्टी बांधकर हारमोनियम बजाना, बिना देखे हारमोनियम बजाना, ये क्या सवाल है जो आप लोग मुझसे करते हैं और क्यों मैं ऐसा अजीबो गरीब स्टंट जो है आपको सिखाने जा रहा हूँ? आप सभी सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे मुमकिन है ना? तो मैं बता दूं कि ये बड़ा ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ये मैंने कुछ ऐसा नया नहीं किया जो लोग कर नहीं सकते, या ये कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं था जो किसी ने पहले सोचा ना हो। ये बड़ी ही आम बात है, बिना देखे तो लोग हारमोनियम बजाते ही हैं। जब आप गाते हैं तो कौन सा आप परमानेंट नीचे देख देख के बजाते हैं? लेकिन उसी चीज़ को ज़रा स्टंट वे में कर देना, आँख पे पट्टी बांध लेना और उस चीज़ को बजा के दिखाना, तो ये थोड़ा आँखों को ऐसा लगता है, अरे यार ये क्या चीज़ हो रही है, कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, है ना? तो आज उसी पर हम ज़रा चर्चा करेंगे कि कैसे ये चीज़ मुमकिन है। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि बिना देखे या फिर आँख पे पट्टी बांध कर हारमोनियम कैसे बजाया जाए। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैनपुरी म्यूजिक स्कूल, उत्तर प्रदेश। अगर आप चाहते हैं पंडित अवध किशोर पांडे, SPW के फाउंडर डायरेक्टर से म्यूजिक सीखना, उनके पास बैठकर क्लास लेना, तो अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबर्स पर और जानिए कि क्या है एडमिशन प्रोसेस। व्हाट्सएप क्लास भी अवेलेबल है। आँखें सो बहत नीर आओ महाराज। तो नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं उस टॉपिक पर बात जो मैं बताने जा रहा था कि आंख बंद कर या फिर पट्टी बांधकर हारमोनियम कैसे बजाते हैं। संगीत प्रवाह वर्ल्ड में, यानी कि हमारे इंस्टीट्यूट में, हम जब स्टूडेंट्स को हारमोनियम सिखाते हैं शुरुआती दौर में, तभी से हम ये एक आदत डालते हैं कि हो सके जितना कीज़ को, यानी स्वरों को, कम देखो और फेस करो ऑडियंस को, या सामने फेस करो जिसके सामने आप बजा रहे हो, या फिर कोई नहीं भी बैठा है तब भी आप ऊपर देख के, गर्दन सीधी रख के आप बजाएं, ताकि एक कॉन्फिडेंट आदमी लगे, है ना? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसको अभी कुछ आता नहीं है, कम आता है और वो देख देख के बजा रहा है। भले ही छोटा है, और छोटा इन द सेंस कि अभी संगीत सीखना शुरू ही किया है हारमोनियम में और ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है, तब भी हम यही आदत डालने की कोशिश करते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है हमेशा रखो। भले ही आपके पास उतनी नॉलेज अभी आई नहीं है कि आप यू नो शो कर सको, लेकिन जितनी नॉलेज है उसको विद कॉन्फिडेंस शो करो। ये आदत हमने हमेशा डाली है। तो उसी में एक पॉइंट ये भी आता है कि जो भी बजा रहे हो बिना देखे बजाओ। जब बिना देखे बजाएंगे तो लगता है हाँ एक कॉन्फिडेंस है ना? जब कोई स्टेज पे खड़े होकर स्पीच भी देख रहा होता है, तो अगर वो बार बार पेपर देख के स्पीच दे तो हमें लगेगा यार ये तो रट्टू तोता है, क्या देख के बोल रहा है, इसके मन में वो विचार नहीं है, ये तो सिर्फ देख देख के पढ़ रहा है, है ना? या फिर जब हम नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो साइकिल है या बाइक है हमने चलाना सीखी, तो हम रास्ता देख के चलाते हैं, बार बार नीचे देखते हैं, साइड में देखते हैं, हम सड़क नहीं देखते, हम सामने नहीं देखते, हम बार बार हमारा हैंडल देखते हैं और ये देखते हैं कि कहीं गिर ना जाएं, है ना? पर धीरे 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 कॉन्फिडेंस कब दिखता है? जब बिना देखे, है ना, सामने देख के आप गाड़ी चला रहे हैं और आसपास पे भी आपका पूरा भरपूर ध्यान है, है ना, कि कौन सी गाड़ी यहाँ से आ रही है, कौन सी कहाँ से आ रही है। तो ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। जब बच्चा चलना सीखता है तो शुरुआती दौर में वो डगमगा डगमगा के चलता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसे मुआयना हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है और कौन सी चीज़ कितनी दूरी पर है। अगर कोई छोटा सा गड्ढा बीच में आ रहा है तो उसको कैसे छलांगना है, उसको कैसे पार करना है। तो ये चीज़ धीरे धीरे बच्चा सीखता है, लेकिन आदत पड़ने के बाद। अगर हमेशा से बैसाखी की आदत पड़ जाए तो चलना ही ना सीखे बच्चा कभी, है ना? सहारे की अगर आदत पड़ जाए तो ये सहारा है देख देख के बजाना। तो हम कोशिश करते हैं कि कैसे ये मुमकिन हो। जाहिर बात है आप डायरेक्ट पूरा नीचे नहीं देख सकते, तो एक दूसरा तरीका है जिससे आप नीचे देख सकते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हैं
और बजाते बजाते आपने आंख बंद करी है, हल्की सी एक निगाह आपने मार ली। तो हम कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को कहने की कि जब सीखना शुरू कर रहे हो तो एक निगाह मारो, छोटी सी, है ना, हल्की हल्की तिरछी निगाह से देख लिया थोड़ा और फिर बजाने लग गए। अपनी उंगलियों को इन स्वरों को पहचानने दो, है ना। जैसे हमारे शरीर के अंग को हम आंख बंद करके भी पहचान सकते हैं कि हमारा हाथ यहाँ है, हमारे पांव यहाँ है, कान ये है, नाक ये है, होंठ ये हैं, आंखें ये हैं, बाल ये हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि आंख बंद कर दी तो हमारा जो कौर है वो मुंह की जगह नाक में चला जाता है, कान में चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग को पता होता है कौन सा अंग कहाँ है। तो उसी ही तरह हमारी उंगलियों को मालूम होने दो कि ये क्या है, है ना। आंख बंद करके इसका मुआयना करो, इसको देखो कि कीज कैसे कैसे बन रही हैं। दो काली तीन काली ऐसे आपको नजर आएंगी, दो काली कीज हैं, तीन काली कीज हैं, है ना, और सफ़ेद कैसे है, सफ़ेद नीचे कीज, है ना। और फिर बजाते बजाते आप इसका जब रियाज करोगे तो अपने आप ये चीज़ मुमकिन हो जाएगी कि नीचे देखना ही नहीं पड़ेगा, आपको बहुत कम देखना पड़ेगा। लेकिन बात वही है, मन में ये निश्चय होना चाहिए कि नहीं यार, मैं बिना देखे बजाऊंगा, कोशिश करूंगा। पर वो कोशिश करोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, आँख पे रुमाल की पट्टी बांध ली या ऐसे कोई भी पट्टी बांध ली और यू नो डाल दिया, आँख पे पर्दा डाल दिया और फिर आप कोशिश कर रहे हो बजाने की, गलत होगा पर धीरे धीरे चलते चलते वो चीज़ सही भी होने लगेगी, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रियाज यानी अभ्यास यानी प्रैक्टिस यानी बार बार करने से मुमकिन हो जाती हैं, ठीक है। तो बस ये छोटी सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं इसमें। लेकिन हाँ, ये मैं बता इसलिए रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये कैसे करना है उसका कोई नया तरीका मैंने अभी बताया, नहीं, मैं बस इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों करना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस नजर आए। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप अभी भी डगमगा के चल रहे हो, अभी भी सीख ही रहे हो। शुरुआती दिन से आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं, मुझे कुछ आता है और मैं कुछ कर सकता हूँ, वो चीज़ है ना। तो बिना देखे करने की कोशिश करें और बेहतरीन हो जाएगा। और ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो अपनाएं, थोड़ा देख लें फिर ऊपर देखें, है ना, और हाथों को मुआयना करने दें, पट्टी बांध के प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो रियाज कीजिए, देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को और ऐसे ही मैं लाता रहूँगा कुछ नए नए टॉपिक्स। धन्यवाद।